एक दो तीन और चार और एक पांच छह सात किए नहीं। कोई तो जुल्म था जिसमें हम सभी शामिल थे, तभी तो आज हम सभी ये चेहरा छुपा के घूम रहे हैं। सो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि एंड वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ। नेशनल फ्लैग दिख नहीं रहा है, चले कोई नहीं, एंड घुमाओ इंडिया। और ये ठीक सामने आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02392 सम जीवी एक्सप्रेस, जो एक समय में लोगों की फेवरेट हुआ करती थी। अरे आज भी फेवरेट है, ऐसा नहीं कि आज फेवरेट नहीं है, आज भी फेवरेट है। और ये नई दिल्ली से खुलती है 1:10 पे। तो ट्रेन का फुल डिटेल भी दूंगा। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे एंट्रेंस, ये है एंट्रेंस पॉइंट बोल सकते हैं, एग्जिट भी बोल सकते हैं पहाड़गंज की तरफ से। अब मैं हूँ पहाड़गंज रेलवे स्टेशन की तरफ। एक चीज़ मैंने देखा, अगर आप नई दिल्ली से जर्नी करने वाले हो तो यहाँ पे कोई प्रॉपर ना टिकट चेक होती है ना कुछ सैनिटाइज किया जाता है। बस आपका जो आपके लगेज को स्कैन किया जाता है, जो नॉर्मल दिनों भी हुआ करता था, वही बस आपके लगेज का स्कैनिंग किया जाता है। बाकी आप प्लेटफॉर्म पर जैसे मैं देख रहे हैं, मैं इंटर कर चुका हूँ। बाकी आप देख सकते हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का फुट ब्रिज किस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। श्रमजीवी हमारी खुलेगी 6 प्लेटफॉर्म से। हम पे हमारी आ रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जिसमें गाजियाबाद का वेब 7 लोकोमोटिव साहब चलती है। लोकोमोटिव को ऊपर से देखिए, ऐसा लुक मैंने आज तक अपने ब्लॉग में नहीं दिया है। न्यू दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस। अब भीड़ देखिए, गजब की भीड़ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। भाई ट्रेन अगर बिहार की बात हो तो जो ट्रेन बिहार की है और या यूपी या वेस्ट बंगाल की और जाए और इस प्लेटफॉर्म खाली रहे, ऐसा हो नहीं सकता। गजब की भीड़ है। चलते हैं अपनी कोच में। कोच है मेरा A1 और सीट है 11। क्या वो एंट्रेंस नहीं हो रहा है? क्या अभी एंट्रेंस नहीं हो रहा है? अभी सफाई हो रहा है। और ये है श्रमजीवी का सेकेंड AC। अभी AC भी ऑन नहीं है, अभी तो सफाई पता चला कि सफाई हो रहा है। और मेरी सीट है 11 यानी लोअर बर्थ। और गर्मी बहुत है भाई। ये सीट कितना? 12। और ये मैंने गिरा दिया अपना बर्थ सैनिटाइज। फिर अब धीरे धीरे लोग पैसेंजर लोग ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। अब गर्मी बहुत है भाई, अभी AC ऑन नहीं है। मैंने लाइट जलाया, पंखा भी पता नहीं, देखते हैं पंखा चलता है कि नहीं चलता है। चल रहा है, पंखे का लाइन दिया, पंखा चल रहा है, लाइट है, बट AC नहीं चल रहा अभी। जा रहा ये है अब कौन सा है?
पानी की बोतल ले लेते हैं, एक पानी की बोतल दे दीजिए। ट्रेन की सिग्नल हो चुकी है, नई दिल्ली से रवाना भी हो चुकी है। 1:10 राइट टाइम यहाँ से खुली है। मैं आपको इस ट्रेन का छोटा सा डिटेल, ये ट्रेन नई दिल्ली से 1:10 पे खुलती है, ठीक राजगीर आपको उतारेगी अगले दिन सुबह 10:40 पे। आप देखो टाइम देख लो, यहाँ पे 1102 किलोमीटर 1102 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 21 घंटे 20 मिनट में। इस ट्रेन के टोटल हॉल्ट्स हैं 32 और जहाँ तक मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कोच पोजीशन की बात करें तो जनरल के 4, स्लीपर के 10, थर्ड एसी के 4, सेकंड एसी के 2, फर्स्ट एसी का 1। फेयर की बात करें तो जनरल का है 330, स्लीपर का 550, थर्ड एसी का 1435, सेकंड एसी का 2045, फर्स्ट एसी का 3455। लोकोमोटिव की बात करें तो गाजियाबाद का WAP-7 जो मैंने आपको दिखाया था फुटब्रिज से, तो गाजियाबाद का WAP-7 लोकोमोटिव के साथ चलती है संजीवी एक्सप्रेस। कोशिश कीजिए इस COVID-19 में अगर आप अपने बर्थ को सैनिटाइज कर लीजिए और समय समय पे अपने हाथों को भी। ट्रेन आप मेरे सामने देखें तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन से क्रॉस कर रही है। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन, ट्रेन की पहली हॉल्ट। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, 241 ट्रेन्स रोजाना रुकती हैं, 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 3 टर्मिनेट गाजियाबाद जंक्शन से। सोमनाथ टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल और हिंडन एयरबेस, इंडियन एयरफोर्स का हिंडन एयरबेस मेजर अट्रैक्शन है गाजियाबाद का। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, यानी प्रवेश द्वार। एक पानी की बोतल ले लेते हैं, एक पानी की बोतल दीजिए। गर्मी में प्यास बहुत लगता है भाई, ये ली। पानी की बोतल ले ली है भाई, 5 रुपये वापस तो कर दो, आवाज तो दे सकते हो जब आदमी भूल जाता है तो, मतलब ये लोग आवाज भी नहीं देंगे भाई। बात 5 रुपये की नहीं है, बात है ईमानदारी की। अच्छा एक मिनट, 1, 2, 3 और 4 और 1, 5, 6, 7 आपकी है? नहीं नहीं, तो किसकी है? तीन है हमारे। आपकी है 3 है, 1, 2, 3। अच्छा वो आपके दोस्त की है मतलब? नहीं नहीं, वो मेरी मेरी। अच्छा चलो चलो ठीक, कोई नहीं है, लेकिन नीचे ये मेरे ऊपर में इतना मतलब कबड्डी खेल रहा है ऊपर से नीचे। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, पुलिस के हवाले कर दो इसको। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये है प्लेट, प्लेट को रखते हैं यहाँ पे और इसमें है भटूरा, ये तो ऑयली वाली हो गया, ये बेडशीट पे रखेंगे इसको, यहीं रहने देते हैं भटूरे को, इस पॉलिथीन में रहने देते हैं। और ये है छोला बोल सकते हैं, इसमें है, इसमें पिकल्स है और ऑनियन है, और ये भटूरा
बहुत जोर से भूख लगी है भाई, अब बात कम करेंगे, पहले पेट पूजा करता हूँ। फिर आप देख रहे हो पूरा हुडन पार्टी कम से कम 5-6 है। ठंडा हो गया ना, कहते हैं ना हमारी भाषा में चिम्मड़, चिम्मड़ हो गया, चिम्मड़। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हापुड़ जंक्शन। यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है, आप देख सकते हो सामने प्लेटफॉर्म, देखो यार लग रहा है कोई है ही नहीं। मे भी सिग्नल नहीं होगा इसलिए रोकी गई है, और अब सिग्नल हो चुका है। तो इस रूट में कह सकते हैं मुरादाबाद बरेली वाले रूट में ये मेरी पहली ट्रेन जर्नी है। तो बरेली वाले भाइयों, मुरादाबाद वाले भाइयों, आप अगर ब्लॉग देख रहे हो, और इसके पहले मैं बहुत सारे कॉमेंट आए थे बरेली के लोग ने कॉमेंट किया था कि भैया कभी इस रूट से निकलो, तो भाई अब निकल रहा है तो लाइक बनता है ना भाई, तो बरेली वालों भाइयों लाइक करना भाई। हमें नहीं खिलाओगी? हमें नहीं खिलाओगी? नहीं, अरे खिला दो। थैंक यू। आपने देखा पानी की बोतल, चाय, कॉफ़ी, ये सब तो ऑफिशियली मिलने का बात था, लेकिन जो पेंटी में जो पका पकाया खाना, खूब जो अपने बार पूछते हैं कि भैया खाने का क्या मिलता है क्या, ऑफिशियली तो आप नहीं बोलिए, लेकिन मैं 2-3 जर्नी मैंने देखा है, मैंने खाया भी था पूर्वा एक्सप्रेस में, तो खाना मिलता है। देखिए गर्मा गर्म खाना का नाम दिया, गर्मा गर्म खाना आ गया। खाने में क्या क्या है देखो भाई, बता रहे हैं क्या क्या खाना है भाई। खाना मिलेगा भैया वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। वेज बिरयानी कितना? हाँ भैया, वेज बिरयानी 80 रुपये, और अंडा बिरयानी 90। वही नॉर्मल रेट है जो हम लोग पहले खाते थे नॉर्मल ट्रेन में, तो 70 रुपये वेज बिरयानी, 80 रुपये अंडा बिरयानी भाई, गिर जाता आगे भाई। वैसे ये ऑफिशियली अलाउ नहीं है, धंधा है, चलता है। भाई पानी देखो लबालब भरा हुआ है। क्रॉस करिए गजरौला जंक्शन, ट्रेन की स्पीड देखिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुरादाबाद का, एक नंबर प्लेटफॉर्म। चार बज के 2 मिनट का टाइमिंग था, और ट्रेन कह सकते हैं राइट टाइम यहाँ पे आई है मुरादाबाद जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट्स का स्टॉपेज है। ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन, यहाँ पे पर 7 प्लेटफॉर्म है, 238 ट्रेन रोजाना रुकती हैं, 19 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 19 टर्मिनेट मुरादाबाद जंक्शन से।
मुरादाबाद अम्बाला रेल लाइन, दिल्ली मुरादाबाद चंदौसी लूप लाइन कह सकते हैं यहाँ की प्रमुख रेल लाइन है। इन ईयर 1873 में ओपन हुआ था, खुला था यात्रियों के लिए। 2012 में फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था मुरादाबाद जंक्शन। बता दूं, मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहते हैं। ब्रास फिर पित्तल, अपने पित्तल के लिए जाना जाता है मुरादाबाद। रेली वाले भाइयों, अरे झुमका लौटा दो ना, गाना बॉलीवुड का जो फिल्माया गया था मैडम शादना, तो उनका एक गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो भाई झुमका अभी तक मिला नहीं है मैडम का, तो बरेली वालों कब तक रखोगे झुमका, वापस करो भाई। पाँच बज के 38 मिनट टाइमिंग थी बरेली जंक्शन, राइट टाइम पहुंची है बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन का एग्जिट और एंट्री पॉइंट, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बरेली जंक्शन, स्टेशन कोड BE 176। 176 ट्रेनें रोजाना रुकती हैं, 14 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 14 टर्मिनेट बरेली से। बरेली यूपी का 8वां सबसे बड़ा शहर, जिससे पहले फौजी नगर के नाम से भी जानते थे, और यहां का सुरमा बहुत फेमस है बरेली का। 1857 की क्रांति में बरेली मुख्य केंद्र था। यहाँ के लोग बताते हैं कि सुरमा बनाने के लिए सऊदी अरेबिया से कोहिनूर नाम के
पत्थर को मंगाया जाता है और ट्रेन बस रवाना होगी। अब प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो बताया बनाया गया है, सर्किल यहाँ भी है वहाँ भी है। कट गई कड़ी के कड़ी काट दिए। इसी तरह की जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगी और आगे की जर्नी वो आपको देखने को मिलेगा पार्ट टू में। इस तरह का मज़ेदार जर्नी देखने के लिए पार्ट टू देखना ना भूलें। मिलेंगे पार्ट टू में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।